उसके बाद हम लोग उठा रहे हैं साथियों, मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, आज अंबेडकर साहब की मूर्ति के सामने गरीबों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जहां भी अन्याय होगा हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूती, सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा समर्थन और आशीर्वाद और वोट अगर किसी ने दिया है तो हमारे SC ST के भाई बहनों ने दिया है। आज हमारा फर्ज बनता है इस समाज के लिए जितना कर सके उसे ज्यादा हमें करना चाहिए। आज दलित के साथ, आदिवासी के साथ जब दुर्घटना घटती है तो दिल में पीड़ा होती है। आज 21वीं शताब्दी है, आज के इस भारत में भी अगर हमारे दलित भाई भतीजे बेटे को उसकी बारात में उसके घोड़े से उतार देते हैं तो दुख होता है हम लोगों को। और मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के लोगों की है, हम सब लोगों की है कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार, इस प्रकार का शोषण हमें बंद करना पड़ेगा। अगर अत्याचार कहीं होता है दलित के साथ तो हम सबकी जिम्मेदारी है उसका मुकाबला करें। हमारे दलित भाई बहनों को ना सिर्फ मान सम्मान लेकिन हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आज हम लोगों की सरकार है, मुझे पूरा विश्वास है कि जहां जहां संभव होगा वहां हमारे दलित भाई बहन, आदिवासी भाई बहनों को हम प्रतिनिधित्व देंगे। आज देश में आरक्षण है, विधायक सांसद बनकर जाते हैं लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है उनको ताकत दें, उनको संबल दें। राजस्थान में स्वर्गीय मेघवाल साहब हमारे साथ काम करते थे कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे से, आज मैं उनको याद कर रहा हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब और उन्होंने दलित समाज की आवाज को बुलंदी से उठाया। मैं आज सच में उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी और दलित समाज को जोड़ने का काम किया था। आज हमारे बीच दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हुए बहुत लंबा समय हो गया, वो कैबिनेट के मंत्री थे हमारी सरकार के अंदर। आज उनके जाने के बाद वो जगह खाली हुई है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और सरकार जल्दी दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट रैंक देकर यहां राजस्थान की सरकार में जगह देंगे।